स्वागत है किसान भाइयों आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम आपको लेकर आए हैं बैंगन के खेत के अंदर। बैंगन के खेती करने में जितनी भी समस्या आती है किसान भाई, हम उन सब का सोल्यूशन, प्रॉपर सोल्यूशन दे रहे हैं। कौन सा फर्टिलाइज़र, कौन सा कीटनाशक, कौन सा पेस्टिसाइड जो भी आप यूज़ कर रहे हैं और कौन सी वैरायटी आपको चूज़ करनी है, वो सब बातें हम अपने चैनल पर बता रहे हैं। तो यदि आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लग रही है तो किसान भाई हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। और ऑल इंडिया लेवल पर कोई भी किसान भाई कीटनाशक मंगाना चाहता है तो हम उसको प्रोवाइड करा देंगे, और जो हम बताएंगे आपके यहाँ मिल जाए तो और अच्छा, नहीं मिलता तो हमसे भी ले सकता है। तो वीडियो शुरू करते हैं किसान भाइयों। तो सबसे पहले आज हम बात कर लेते हैं कि बैंगन के अंदर सबसे पहला स्प्रे कौन से कीटनाशक का और उसकी क्या कंडीशन होती है, स्प्रे करना चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूँ किसान भाइयों, ये हमारा बैंगन का पेड़ हो रहा है जैसे बहुत ही अच्छा, और ये आप देख सकते हैं बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ही मस्त हो रहा है एकदम से, बहुत ही इसके अंदर फल भी बहुत ज़्यादा आ रही है हमारे। ये फहीम भाई कैमरा मैन है जो ये दिखा सकते हैं इसके अंदर कितने अच्छे से फ्रूटिंग चल रही है। ये पहले अब जो आपने वीडियो देखी होगी फ्लावरिंग स्टेज पर था, अब जो आपका जो बैंगन का खेत है ये फल के अंदर आना शुरू हो चुका है, ये जो फूल था अब फल के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो चुका है। तो अब बात कर लेते हैं जो मुद्दे की बात है हमारी, कि जो बैंगन के अंदर पहला स्प्रे है उसकी कंडीशन ये होती है। जैसे आपकी ये मोल देख रहे हैं, तो ये मोल होती है आपकी मुरझा जाती है, टूल सी जाती है, इसको हम बोलते हैं तना छेदक, या इंग्लिश के अंदर आप जान सकते हैं इसको स्टेम बोरर। यदि आपके खेत के अंदर स्टेम बोरर है तो आपको क्या होगा, आपके खेत के अंदर फूल आता दिखेगा लेकिन उसका फल नहीं बन पाएगा, सारा का सारा जो फूल होगा वो नीचे गिर जाएगा। तो इससे बचने के लिए मैं आपको सबसे अच्छी क्वालिटी की बता देता हूँ आपको क्या करना है। एक बताऊँगा मैं इसके अंदर और आगे भी अलग अलग वेरायटी में लेके आता रहूँगा। तो आपको लेना है लार्गो धानुका की आती है 100 ml में। किसान भाइयों ये किसी कंपनी का कोई प्रचार नहीं है, हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, आप जो भी ले सकते हैं ले सकते हैं, सिर्फ हमारी आपको ये सलाह है। तो आप जो हमारी ये लार्गो आती है धानुका की 100 ml की आती है, 150 ml पानी में आपको डालनी है और 100 g एमामेक्टिन बेंजोएट आपको सिर्फ इसका एक स्प्रे करना है। उसके बाद में आपको कौन सा स्प्रे करना है वो आपके लिए आगे लगातार वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो चोटी कट में जो आता है सबसे अच्छा रिजल्ट है, और बैंगन में जो पहला स्प्रे होता है उसकी यही कंडीशन होती है कि जो आपका ये इसका स्टेम होता है, तना होता है, वो मुरझा जाता है, इसको चोटी कट भी बोल सकते हैं हम, यानी कि तना छेदक। तो आप लार्गो 100 ml 100 g मैक्टिन डालकर 150 ml पानी में स्प्रे करेंगे। उसके बाद कौन सा कीटनाशक यूज करना है आप हमारे चैनल पर बने रहेंगे तो उसकी भी वीडियो आती रहेगी। किसान भाइयों आज की वीडियो में इतना ही, तो दी गई जानकारी अच्छी लगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।